हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो हमने किया है चैप्टर 7th क्लास का, उसके क्वेश्चन आंसर। तो यहां पर आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेरी शॉर्ट टाइप आंसर किए थे इसी चैप्टर के, तो आज हम करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर से। तो वो क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है Why nutrition is essential? कि why nutrition है वो क्यों essential होता है? तो देखो nutrition क्यों चाहिए, क्योंकि every living organism जो है वो क्या होता है, कोई ना कोई life process करता है, उसके body के अंदर बहुत सारी processing चल रही होती है। जैसे कि हम अगर हमारी बात करें, हमारे अंदर heart काम कर रहा है, lungs काम कर रहे हैं, kidneys काम कर रहे हैं, तो हमारी body के अंदर सारे parts है वो different function perform कर रहे हैं। और वो functioning जो है organisms की वो किस तरह से होगी, फंक्शनिंग तभी परफॉर्म कर पाएगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी हमें चाहिए हर एक काम करने के लिए, हर एक लाइफ प्रोसेस करने के लिए। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं पहले। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस होती है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चलेगी उसको जिंदा रखने के लिए, यानी कि उसको लिविंग रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, ये मार्कर है, इसके अंदर कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, ना ये सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, ना ये डाइजेशन कर रहा है, ना ये ब्रीथिंग कर रहा है, कोई लाइफ प्रोसेस ये नहीं कर रहा है, तो ये लिविंग नहीं है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होगा जिसके अंदर क्या होगी, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेसेस व्हिच ऑकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हिच मेक्स द थिंग लिविंग, जो किसी चीज को लिविंग बनाती है, ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि द न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर द एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन है वो एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। बिकॉज क्यों, इट प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है और जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ब्रीथिंग हो, चाहे वो हार्ट की एक्टिविटी हो, चाहे वो किडनीज का वर्क हो, चाहे हमारी मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी है, यानी कि आप चल रहे हो, घूम रहे हो, तो उनके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी, लाइफ न्यूट्रिशन से। तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद में क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, यहां से देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, फूड का बनना, फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, या आप ये भी कह सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, की फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद में क्या है, द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होती है फोटोसिंथेसिस। व्हाई, क्यों, ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही क्यों होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो सनलाइट को ट्रैप करता है। इट अकर्स इन द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल टू ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उसके जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। वेरी सिंपल आंसर है इसका कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर हमें चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल। अब लेता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, फ्रॉम एयर बाय स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल्स कैसे लेता है, वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट फ्रॉम सॉइल। एंड क्लोरोफिल है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है जिसकी वजह से प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं या ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सनलाइट सन से लेते हैं और क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो।
तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स की होती है, ठीक है, इस जिसके अंदर दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। अगर वो अकेले रहेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी उनमें से अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर उनमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म उस रिलेशनशिप से, उस एसोसिएशन से हट जाता है, निकल जाता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि व्हाट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो एसोसिएशन और रिलेशनशिप की ये क्या है, एसोसिएशन है और रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स का, बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, इन विच दे हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि अगर वो उन्होंने एक दूसरे की हेल्प नहीं की तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइकेन जो है मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल हम यूज करते हैं लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन के लिए। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज द लाइकेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इन लाइकेन, लाइकेन के अंदर क्या होता है, एक एल्गी होती है और एक फंजाई होती है, ठीक है, लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं एंड हेल्प ईच अदर फॉर देयर फूड, फूड के लिए वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। द फंजाई कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, फंजाई जो है वाटर और मिनरल्स तो एब्जॉर्ब कर सकती है, बट दे डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो फूड सिंथेसिस कैसे करेगी अगर क्लोरोफिल नहीं है। तो वाटर एंड मिनरल तो वो एब्जॉर्ब कर पा रही है, वाटर एंड मिनरल तो वो एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन उसके पास क्या है, क्लोरोफिल ही नहीं है, तो फूड सिंथेसिस नहीं कर पाएगी। दूसरी बात एल्गी की तरफ चलते हैं, एल्गी हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, बट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, अब वाटर और मिनरल्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगी, वाटर और मिनरल नहीं है तो दोनों है वो अपना फूड नहीं बना पाती है, इसी वजह से क्या होता है, इन दिस वे, इस तरह से दे बोथ कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, वो दोनों के दोनों अपना फूड नहीं बना पाती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जिसके अंदर जो फंजाई है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल एंड गिव टू एल्गी, फंजाई वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देगी, बाकी एल्गी का काम रह गया उस वाटर और मिनरल्स को यूज करके एल्गी क्या करती है, फूड सिंथेसिस करती है, और वो फूड दोनों एल्गी और फंजाई है वो दोनों यूज करते हैं। सो दैट दे लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन विच द फंजाई एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, फंजाई वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती है एंड गिव टू एल्गी, एल्गी को दे देती है, और एल्गी क्या करती है, प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग दिस वाटर एंड मिनरल्स एंड दिस फूड इज यूज्ड बाय बोथ, दोनों एल्गी एंड फंजाई इस फूड को यूज करते हैं। तो इस तरह से दोनों को फूड मिल जाता है, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, अगर अलग अलग रहेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी इस तरह से। तो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्लिक के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आंसर है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप बन सकते हैं, वो आपके जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपने आप उनको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।